भारतीय डाक विभाग द्वारा शुक्रवार को प्रधान डाकघर में लाडली बिटिया के लिए सुकन्या समृद्धि महाअभियान एवं उत्कृष्ट सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर डॉक्टर रूमा देवी सहित कई अतिथियों ने शिरकत की। समारोह में बालिकाओं को सुकन्या समृद्धि योजना की जानकारी देते हुए लाभान्वित को बांड वितरित किए। इसी तरह प्रधान डाकघर में पुरानी टिकटों की प्रदर्शनी लगाकर बच्चों व उपस्थित लोगों को जानकारी दी गई। भारतीय डाक विभाग द्वारा शुक्रवार को प्रधान डाकघर में लाडली बिटिया के लिए सुकन्या स्मृति महाअभियान एवं उत्कृष्टता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर डॉक्टर रूमा देवी सहित कई अतिथियों ने शिरकत की। समारोह में बालिकाओं को सुकन्या स्मृति योजना की जानकारी देते हुए लाभान्वित को बॉन्ड वितरित किए गए। समारोह को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि सरकार द्वारा इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत शुरू किया गया है। सुकन्या स्मृति योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के नाम से माता पिता या उनके लीगल अभिभावक द्वारा एक खाता खुलवाया जा सकता है जो 250 रुपये से शुरू होकर 1.5 लाख हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस योजना में उद्देश्य भविष्य में बच्ची की पढ़ाई व शादी आदि में होने वाले खर्च की पूर्ति के लिए बचत एकत्रित करना है। सरकार का इसे शुरू करने का मुख्य मकसद इस योजना के माध्यम से देश के बेटियों का भविष्य सुरक्षित करना है। पोस्ट ऑफिस की तरफ से सुकन्या समृद्धि योजना के जो बच्चों के खाते खोले जाते हैं उसका प्रोग्राम था और काफ़ी बच्चों के खाते खुलवा चुके हैं। अलग अलग गांव में बाड़मेर के जो डेजर्ट एरिया है वहां पे भी लगभग काफ़ी बच्चों के खाते खुल चुके हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छा काम हो रहा है और मेरा भी मिशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं वो सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े और उनका लाभ उठे। संदेश देना चाहूँगी कि गाँव गाँव में जो बच्चियाँ हैं 10 साल तक की उनके सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खुलवाए और इसका लाभ उठाए। आगे जा के बच्चियों के पढ़ने के लिए काम आएगा तो बेटी बचाओगी और बेटी पढ़ाओगी। इस दौरान प्रधान डाकघर में पुरानी टिकटों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में आज़ादी के बाद जारी की गई डाक टिकटों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही डाक विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा इन डाक टिकटों के बारे में जानकारी भी वहां मौजूद बच्चों व उपस्थित लोगों को दी गई। इस दौरान डाक अधीक्षक अखाराम, सहायक अधीक्षक सुदर्शन सामरिया, प्रधान डाकपाल दिनेश कुमार दहिया, लेखापाल ललित मालू, प्रधान डाक बचत प्रभारी दिनेश छाजेड, विशाला SPM दिलीप बादलाड़ी, डाक कार्मिक हुकमपुरी रमेश कुमार, CPC प्रभारी मुकेश चौधरी, डाक निरीक्षक केशव कुमार सांखला, बसंत सैनी, शिवनाथ सिंह समेत डाक विभाग के कार्मिक और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहा।